शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पीएसपी ने अपने घोषणा पत्र में किसान, मुसलमान और गरीबों पर खास फोकस किया है। शिवपाल यादव ने सिंचाई मुफ्त करने, उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने समेत गन्ना समर्थन मूल्य 2.5 गुना बढ़ाने का वादा किया है। इसके साथ ही मुसलमानों के लिए भविष्य निधि कमेटी बनाने और हज यात्रा में सरलीकरण करने की बात भी कही है। साथ ही दरगाह एक्ट बनाने का भी वादा किया है। पीएसपीएल ने युवा नीति बनाने और ब्याज रहित एजुकेशन लोन देने का भी ऐलान किया। साथ ही 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। आरक्षण को लेकर शिवपाल यादव की पार्टी ने जिसकी जितनी भागीदारी उतनी ही उसकी हिस्सेदारी का फॉर्मूला लागू करने की बात कही है। शिवपाल ने दावा किया कि पीएसपीएल का घोषणा पत्र देश को नई दिशा देगा। इस घोषणा पत्र से ही देश प्रगति करेगा और समाजवाद आएगा। विभागों के समस्त सरकारी रिक्तियों को 2 वर्ष के अंदर भरकर 20 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। युवा आयोग के गठन के साथ साथ युवा नीति बनाया जाएगा और युवाओं के लिए अलग से बजट में कोष का प्रबंध होगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को शिक्षा व रोजगार में दिया जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त होगा और शेष युवाओं को रियायत दर में कर्ज प्रदान किया जाएगा। शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का घोषणा पत्र तो जारी किया, लेकिन इस घोषणा पत्र में मुलायम सिंह यादव को जगह नहीं मिली। घोषणा पत्र में कवर पेज पर शिवपाल यादव की तस्वीर और पीछे के कवर पेज पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीर छपी हुई है। घोषणा पत्र पर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर न होने पर शिवपाल ने कहा कि यह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का घोषणा पत्र है। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है।